से जीत गई ना। राम जय माता दी जय बाबी हकी। अरे पीयू ने भी कर दिया टूटे हुए दांत। What's up? Welcome back to the vlog. अभी हम लोग हैं एक खुफिया लोकेशन पे हिंदुस्तान में, जो खुफिया है नहीं है, मतलब बस ऐसे ही यहाँ पे आए हुए बहुत दिनों बाद। तो देश का धोनी की पूरी प्लानिंग इसी घर पे हुई थी, ये टेबल में बैठ के हमने प्लानिंग की थी। एंड थोड़ा सा कुछ काम बाकी है तो मैं बस एक दो दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी फील हो रहा है। दिस इज मोर लाइक अ गेस्ट हाउस, मतलब ये किचन वगैरह है, फ्रिज में देखते हैं चाय बनाने का सामान है कि नहीं। दूध लाना पड़ेगा यार, पत्ती बस मिल जाए, पत्ती मिल गई, चलो वेरी गुड, पत्ती है ना, इलायची भी मिल गई, चलो बल्ले बल्ले, काफी सही गेस्ट हाउस है ये। सामान है सारा पूरा यहाँ पे भाई, गजब है सामान यहाँ पे, लाइक तो नहीं सब है। किशन मेरा ही छूटा हुआ, ये मेरा ही छूटा है, मैं ही लग गया था यहाँ पे। मैं आया था अप्रैल में, 26 अप्रैल को देश का धोनी गए थे, 1 अप्रैल को ऐसे मैं आऊंगा यहाँ। ओह ये भी मेरा ही है यार, इलायची पाउडर चाय के लिए लाया था मैं, चलो मिल गया। मैं लास्ट टाइम आया था अप्रैल में, तो इसके अंदर दो, अरे बंद हो गया ये। अबे यहाँ पे बच्चे दिए थे डॉगी ने, यहाँ रहते थे अंदर छोटे छोटे। मस्त ये खुला सा एरिया है, गांव सा है, पुराने लोग रहते हैं यहाँ पे, मतलब जिनकी बहुत पुरानी पुरानी लैंड है। लास्ट टाइम जब आए थे अप्रैल में तो बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो जितने भी लोग यहाँ रहते हैं एजड है ना, तो मतलब दे डोंट नो मी, तो पता नहीं चला। फिर छुट्टियों में बच्चे जैसे ही आए तो सबको पता चल गया, तो फिर इन लोगों को लगा अच्छा हाँ। तो अभी बड़ी लाइक कि सर आप फोटो नहीं खिंचा रहे अभी? मैंने कहा हाँ बेटा अभी नहीं खिंचा सकते, क्योंकि अगर ये बाहर चला जाएगा तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही पता चल जाएगा लोगों को हम क्या करने आए यहाँ पे। कितने का? 4 से काम में बिजी हूँ मैं, अभी तक नहाया धोया नहीं हूँ, 4 बज गए शाम के, 4:30 निकलना है घर से नहाना है। तो फिर याद आया कि भैया शैम्पू तो है ही नहीं, नहाएंगे कैसे, भाग के शैम्पू लेके आते हैं पहले। भैया अच्छा हो रहा देना, कितना खूब ठंडा है अभी। यहाँ पे बीच में आए, यहाँ बिल्कुल शांति है, कोई है ही नहीं चलता यहाँ पे। ऐसे ऐसे बीच आजकल कहाँ मिलते हैं यार। इनमें क्या वो क्रैब घुसता है? कभी काटा है आपको? ओ कितने सारे, हाँ दे आल्सो कम सी स्नेक्स आर हियर, ओ बाप रे, बट नॉट इनसाइड दिस, दे लाई इन द ओपन, बट दे आर वेरी पॉइजनस, बट दिस इज अ बिग होल फॉर अ क्रैब, दे मेक सच बिग होल्स। आई थिंक वो अभी जाएगा नहीं, उसको ही इज प्रिटेंडिंग। हां भागा 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 भागा, घुस गया अंदर, इसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स का साइन है, बहुत सारे ऐसे लोगों का साइन है जो इसमें लिखते लिखते भावुक हो गए माही भाई के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने माही भाई के अंडर टीम में भी खेला हुआ है, सबकी विशेज है इस पे। और इसको फ्लाई किया था हमने, जैसे आपने देखा होगा फिनाले में, और इसको सीखने के लिए मुझे 1 महीना लग गया। तो मैं खुश हूँ आज मैं ये हम कर पाए अपने माही भाई। फाइनली जिस काम के लिए आए थे हो चुका है, अभी जा रहे दिल्ली। और ये काम मेरा बहुत सालों से अटका हुआ था, सुबह जब उठा तो भगवान के नाम लिए भजन भजन किया कि आज ये काम हो जाए, और वो अनडिस्क्लोज लोकेशन पे काम हो गया। बेचारी ये दोनों अकेली है इतनी बड़ी झील में, एटलीस्ट एक दूसरे का साथ तो है भाई। मस्त खाली है एयरपोर्ट, सिक्योरिटी पे भी 2 मिनट में हो गया भाई। मैंने इसलिए रात की फ्लाइट चूज की, देखते ना वहाँ से आने में, मेरी लोकेशन है वो मुंबई से 3-4 घंटे की दूरी पे, तो वहाँ से आने में अगर रात को निकलेंगे कोई ट्रैफिक नहीं, वो मस्त पहुँच जाएंगे भाई। ज्यादा ही खाली है एयरपोर्ट आज भाई। ऋतिक तो बोर हो गया होगा आज? नॉट एट ऑल भाई, थैंक गॉड ये ट्रॉली मिल गई, नहीं तो भाई मेरा तो निकल पड़ती, बहुत भारी है यार मेरे कंधे, वैसे भी गर्दन में दर्द बहुत होता है। इसके साथ कुछ टेंशन नहीं, अब तो मैं अपने दिन के 4000 स्टेप्स बचे वो भी कंप्लीट कर लूंगा, दिन के सारे टास्क कंप्लीट। बोर्डिंग में टाइम है, हम अपने स्टेप्स कंप्लीट करते हैं भाई, रात काली करें कॉफी पी के एक मस्त। मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करने चक्कर में मुंबई एयरपोर्ट के बहुत ही नए कोने में आ गया हूँ, और ये भाई यहाँ सो रहा है क्योंकि यहाँ कोई चेक करने नहीं आता। गजब है भाई, भाई इस कोने में कोई नहीं है, दूर दूर तक पूरा खाली कोना है एयरपोर्ट का। अरे भाई लेट हो गया है स्टेप्स के चक्कर में भाई, हो गया था NN, लास्ट पैसेंजर हूँ, सबसे पहले आया था। ये कह रहा है बैग अनबेल्ट 2-5, 2-14 हो गया, अभी एक बैग नहीं है बेल्ट का।
कौन सा डेटा दिखा रहा है भाई। भाई अभी तक बैग नहीं आया यार, 2:20 हो गया, मुंबई से नेक्स्ट फ्लाइट आने का टाइम हो चुका है। भाई देखो भाई कितने आरामी है भाई, अभी जैसे बैग आया। अबे सालों ने टाइम चेंज कर दिया यार, ये देखो भाई। अबे नहीं सॉरी, मैं नींद में था, ये तो डिलीवरी एंडेड, 2:22 पर डिलीवरी एंड हो चुकी है और 2:24 पर पहला बैग आया। अबे अपना बैग आ गया, चलो छोड़ो भाई निकलो यहाँ से। अबे रुक जा। चलो भाई फाइनली दिल्ली पहुँच चुके, और थैंक यू जिसने भी ये कपला किया टाइम का, हमने तो आपदा में भी अवसर बना लिया भाई, अपना कंटेंट बना लिया हमने वहाँ पे, तो हमारा तो बच बचे आ गए। इसीलिए कहते हैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा होता है, बस तुम्हें निकालने की देर है। कल रात को मैं घर पहुँचा हूँ भाई साहब 3:30 बजे के आसपास, 3 से 3:30 में घर के बाहर, मुझे लगा शायद घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। एक हमने रील शूट की थी किसी ब्रांड के लिए, तो उसमें ऐसी जोक कर रहे थे कि मैं घर के बाहर सो रहा हूँ, लेकिन कल वो सच होने वाला था। घंटिया बजा, 17 मिस कॉल, उठाए नहीं, किसी ने गेट ही नहीं खोला भाई, बच गया मैं। फिर किसी तरीके से आया मैं टाप के आगे अंदर, घर के अंदर, पूछो नहीं, बता नहीं सकता कैसे आया, फिर चोरों को पता चल जाएगा। तो अपना प्यार देने के लिए थैंक यू, बताऊंगा कैसे आया। आपका गौदान रोज रह जाता, पीयू रोज कर देती है। हाँ कभी कभी आप करते हो, लेकिन फिर काना जो है, काना पीहू से ज्यादा खुश हो जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं पीहू को कहूंगी कि मेरी तरफ से एक रोटी डाल दो। हाँ तो आप पीहू को रोज सुबह बोल दिया करो, पीहू मेरी तरफ से भी एक रोटी डाल दिया कर। आंटी को बोल दूंगी, आंटी दे देगी। ठीक है ठीक है। क्योंकि बता क्या ऋषि, काना जो है, गाय जो है काना को बहुत प्यारी थी, तो जो गायों को खाना देता है ना, काना उसको बहुत प्यार करता है। हाँ जी, दिस वन पीहू और मम्मा बाहर गए। नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहा, बताया क्यों, श्राद्ध चल रहा है बेटा, तो श्राद्ध में मम्मी खूब सारी पालक लेके आई। याद है कानपुर में गए थे पालक देने खूब सारी? नहीं मैं नहीं गई थी। अच्छा तू क्यों थी? ले रशी तो सोच हो के, तो बहुत सारी पालक लेके रशी गाय को देने गए, क्योंकि श्राद्ध चल रहा ना, श्राद्ध में दान करना होता है। पता श्राद्ध ऋषि क्या होता है? जो क्या बता बता बता, अरे वाह तेरे को किसने बताया ये, तेरे को? अरे वाह, जो लेकिन ऋषि ऐसा नहीं बोलते कि जो लोग मर जाते, जो लोग भगवान के पास चले जाते हैं ऐसे बोलते हैं, ठीक है। वैसे मेरी बीवी में 1000 कमियां हैं, लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी लगती है कि वो मेरे बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे देती, टच वुड, तो शी कीप्स टीचिंग अबाउट इंडियन फेस्टिवल्स रिचुअल्स। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को, जिस भी रिलीजन के आप हैं, अपना आपका जो भी रिलीजन है, उसके बारे में ज़रूर पढ़ाएं। चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं हारना नहीं है, ऊपर चलना है ऊपर चलना, चलो 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 चलो, वेरी गुड। बस भैया बस भैया बस भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर ट्रेन के मजे लेंगे। ये देखो मम्मा तो बिना पैसे के मजे ले रही है। हैंडल ही हाथ से निकाल दिया, ले कह रही भाई हैंडल आ गया। ये ऋषि ये पी पी, सामने से हट जा, सामने से हट जा ऋषि के, सामने से हट जा पी पी, मैं चलाओ। हेलो प्यू, हैंडल बार बार निकल रहा है।